नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को देगी खास गिफ्ट। झारखंड सरकार राशन कार्ड धारकों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को एक खास गिफ्ट देने जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे देने का फैसला किया है, ताकि ग्रामीण अपनी आय बढ़ा सके और इस कदम से पर्यावरण की भी रक्षा हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों की मौजूदगी में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी राशन कार्ड धारकों को कम से कम 2 फलदायी पौधे दिए जाए। सीएम ने अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को कम से कम 2 फलदायी पौधे रोपने को देने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा है कि इससे न केवल ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी, वरन यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक कदम होगा। आधिकारिक बयान के मुताबिक हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना सभी गांवों को हरा भरा बनाने में प्रभावी होगी। इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के उन्नयन के लिए 9538 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जैक बोर्ड 11वीं परीक्षा में असफल छात्रों ने जैक का किया घेराव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 11वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। हालांकि रिजल्ट जारी होते ही विवाद भी खड़ा हो गया है। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत आई है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा परिणाम में गलत तरीके से परीक्षार्थियों को फेल कर दिया गया। इससे नाराज छात्रों ने शुक्रवार को जैक कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर द्वारा झारखंड अधिविद परिषद यानी जैक के मुख्य द्वार को बंद कर जमकर प्रदर्शन किया गया। बता दें, 11वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि 1 या 2 नंबर से हजारों विद्यार्थी कैसे फेल हो गए। घेराव के दौरान छात्रों की नाराजगी बढ़ता देख जैक प्रशासन आक्रोशित छात्रों को शांत कराने की कोशिश में जुटा रहा। मौके पर मौजूद रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व सचिव सौरभ बोस ने अधिविद परिषद के उप सचिव अरविंद कुमार से बात करते हुए जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने को लेकर आग्रह किया। झारखंड के 24 जिलों में 3 महीने में शुरू होगी सोलर पार्क योजना। सीएम हेमंत सोरेन ने 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्तों से कहा है कि वे अपने अपने जिले में एक ही जगह कम से कम 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराए। इस जमीन पर अगले 3 महीने के अंदर सोलर पार्क योजना शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से सभी तरीके के सरकारी जमीनों का आइडेंटिफिकेशन करने के साथ वहां सरकार का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। बता दें, बिरसा हरित ग्राम योजना में 1 लाख एकड़ प्रति वर्ष का लक्ष्य रखा गया था। वहीं आप लोग इसे 25,000 एकड़ प्रति वर्ष ला दिए। इस वर्ष किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य को 50,000 एकड़ पर ले जाइए। 3 महीने का काम है, इसमें सभी लगे। मुझे लगता है कि कृषि विभाग के पास नर्सरी बनाने का पैसा भी रहता है। आप सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक किसान पाठशाला में एक एक नर्सरी प्रारंभ हो, इसके लिए अलग से पैसा का व्यवस्था कीजिए। सीएम हेमंत का निर्देश, स्टूडेंट को जल्द दे प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों से कहा है कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 100% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि जल्द से जल्द दी जाए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत लाभुकों को मदद और उनकी मॉनिटरिंग भी करें। जिन आवेदनकर्ताओं को CMEGP योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें जल्द से जल्द इस योजना से जुड़े। वहीं कल्याण विभाग की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 146 करोड़ रुपए में से लाभुकों के बीच 104 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड के 18 जिलों की तापमान 40 के पार, अलर्ट जारी। झारखंड की धरती तप रही है, राज्य में गर्मी के तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि कुल 24 जिलों में से 18 जिलों का तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। राजधानी में 17 व 18 जून को हीट वेव चलने और शाम के वक्त आंशिक बादल छाए रहने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 व 20 जून को दिन भर आंशिक बादल छाए रहने और मेघ गर्जन की संभावना है। बता दें, 17 व 18 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, जामताड़ा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात व तेज सर्दी हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
सहायक अध्यापक आज सीएम आवास का घेराव करेंगे। झारखंड के सहायक अध्यापक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। सहायक अध्यापकों का कहना है कि सरकार ने अब तक वादा नहीं पूरा किया है, इस कारण उनमें आक्रोश है। पारा शिक्षक से सहायक अध्यापक बने शिक्षक एक बार फिर सरकार के विरोध उलगुनान करने की तैयारी में है, जिसके तहत शनिवार को एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी की गई। सहायक अध्यापक सरकार के द्वारा बनाई गई नई नीति में अभी तक कुछ प्रावधानों पर निर्णय नहीं लिए जाने से खासा नाराज हैं। बता दें, राज्य के सहायक अध्यापकों का महाजुटान मोराबादी मैदान में शनिवार को होगा। उसके बाद सुबह के 11 बजे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सभी सहायक अध्यापक जुलूस की शक्ल में निकलेंगे। सीएम हेमंत बोले, ग्रामीण इलाकों में बढ़ाए प्रज्ञा केंद्रों की संख्या। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सभी जिलों के उपायुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्रज्ञा केंद्र स्थापित करें, सभी गाँवों में प्रज्ञा केंद्र संचालित करें। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इस सोच के साथ प्रज्ञा केंद्रों को पूर्ण रूपेण कार्यरत करें, ताकि आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड बनवाने व आधार कार्ड में भूल सुधार आदि कार्य उनके निकटतम प्रज्ञा केंद्र में ही ससमय उपलब्ध कराया जा सके। चाईबासा में सीआरपीएफ के एक जवान पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा के मोपसिल थाना क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा से सीआरपीएफ 197 बटालियन के एक जवान द्वारा दुष्कर्म करने के प्रयास करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शुक्रवार को मोपसिल थाने में नाबालिग के मामा ने लिखित शिकायत की है। नाबालिग अपने मामा के घर में रहती है। बता दें, लिखित शिकायत में मामा ने कहा है कि 14 जून की रात खाना खाने के बाद लगभग 10 से 11 बजे घर के बाहर वह अपनी बेटे के साथ खटिया पर सोए हुए थे। देर रात लगभग 12 बजे खिड़की की तरफ से किसी व्यक्ति के कूदने की आवाज़ सुनाई दी। दुमका में पिता ने बेटी को पीटा, एक्शन में सीडब्ल्यूसी। दुमका शहर के रसिकपुर मोहल्ले की रहने वाली एक किशोरी को उसके पिता ने इतनी बेरहमी से पिटाई की है कि वह 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। शुक्रवार की सुबह चेयरपर्सन डॉक्टर अमेंद्र कुमार और सदस्य डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय उस किशोरी से मिले अस्पताल के मेडिसिन वार्ड पहुँचे। वहाँ बताया गया कि किशोरी को सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सर्जिकल वार्ड जाने पर नर्स ने किशोरी का जो बेड बताया वहाँ वह नहीं थी। पता चला कि गुरुवार शाम के बाद से किशोरी को कोई दवा नहीं दिया गया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि किशोरी को डिस्चार्ज नहीं किया गया है, पर वह खुद घर चली गई है। रघुवर दास का हेमंत पर हमला, बोले बिना घूस के पत्ता भी नहीं हिलता। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला किया है। कहा है कि यहाँ बिना घूस के पत्ता भी नहीं हिलता। वर्तमान समय में सरकारी कार्यालयों में पहले पैसा दे तब काम हो रहा है। श्री दास शुक्रवार को ऑडिटोरियम गुमला में आयोजित लोहरदगा लोकसभा स्तरीय जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में गुमला, लोहरदगा और रांची जिला के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दे, रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में पिछड़ा समाज का हक व अधिकार छीन लिया गया है। राज्य के 7 जिलों में आरक्षण शून्य कर दिया गया है। JSSC ने निकाली उद्योग विभाग में 455 पदों पर भर्ती। नियमावली में संशोधन होने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति रद्द कर दी गई थी, इस कारण इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था। अब नियमावली में संशोधन होने के बाद आयोग ने फिर से मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की है। बता दें, उद्योग विभाग में नियुक्ति के लिए कुल 455 पदों पर बहाली निकाली गई। इनमें कीट पालक व समकक्ष के 268 और कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के 187 पद शामिल हैं। स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट रोकने में जुटा शिक्षा विभाग। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि इसके बावजूद सरकारी स्कूलों से बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। सरकारी स्कूलों से पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जाने वाले छात्रों का आंकड़ा करीब 10% है। इन्हें फिर से स्कूल वापस लाने के लिए शिक्षा विभाग अभियान चला रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 16 जून से शिक्षा विभाग ने ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए अधिकारियों को जिला स्तर पर विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर जिले में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं।
रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी। 20 जून को रांची के जगन्नाथपुर मंदिर से ऐतिहासिक रथ यात्रा निकलेगी, जिस पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकलेंगे। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बता दें, इस रथ को आकर्षक स्वरूप देने के लिए पूरी के कारीगर जुटे हैं। रथ का निर्माण कर रहे कारीगर ओम प्रकाश महाराणा कहते हैं कि करीब 35 फुट ऊंचा और 50 क्विंटल वजन वाली नीम की लकड़ी से बना रथ 18 और 19 जून तक तैयार हो जाएगा। ओम प्रकाश महाराणा के साथी कारीगर बिमधर प्रधान और हेमंत कुमार बराक भी इसको आकर्षक स्वरूप देने में लगे हुए हैं। मॉडल से लव जिहाद मामला। बिहार की मॉडल का यौन शोषण और लव जिहाद के आरोपी तनवीर को झारखंड पुलिस बिहार से रांची लेकर पहुंची, जिसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया। माना जा रहा है कि पुलिस उसे कल सुबह कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड की मांग करेगी। बता दें, बिहार की मॉडल का यौन शोषण और लव जिहाद के आरोपी तनवीर को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करने के बाद झारखंड पुलिस उसे रांची लेकर पहुंची है, जहां तनवीर का सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया गया। इस दौरान तनवीर ने मीडिया को बताया है कि उस पर जितने भी आरोप लगाए गए वह बेबुनियाद हैं और आने वाले समय में जल्द ही सच्चाई का पता चल जाएगा। महादेव उरांव की पिटाई पर बंधु तिर्की की सफाई, सिर्फ डांट फटकार लगाई। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर महादेव उरांव नामक व्यक्ति ने गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। बता दें, 10 जून को रांची स्थित उनके आवास पर हुई इस घटना के विरोध में कई आदिवासी संगठनों ने गोलबंद होकर बंधु तिर्की का पुतला फूका और विरोध जताया। सरकारी कर्मचारी से मारपीट की इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता ने सफाई दी है। पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने मारपीट की घटना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कल्याण विभाग की लंबित योजनाओं के कुछ मामले थे, जिसको लेकर महादेव उरांव को वो अपने घर बुलाए थे। इसी दौरान योजनाओं में अनियमितता को लेकर उनको डांट फटकार लगाई गई, लेकिन महादेव के साथ मारपीट नहीं की गई है। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के नए अध्यक्ष रविंद्र सिंह। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और वरिष्ठ नेता रविंद्र सिंह ने शुक्रवार को झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व विधायक ममता कुमारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हेहल स्थित पार्षद कार्यालय में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें, झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद का अध्यक्ष पद संभालने के बाद रविंद्र सिंह ने कहा है कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के मार्गदर्शन में कृषि मार्केटिंग बोर्ड को स्वर्ण और आत्मनिर्भर बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। पीएम किसान की 14वीं किस्त जल्द। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत लाभकों को 14वीं किस्त का इंतजार है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक भारत सरकार का कृषि मंत्रालय इसी महीना यानी कि जून 2023 में पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त जारी कर सकता है। बता दें, विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर बताया है कि सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। विभाग द्वारा योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। झारखंड में 31,01,604 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। इन सभी के खाते में योजना की 14वीं किस्त भेजी जाएगी। 5 लाख किसानों को केसीसी से जोड़े सीएम हेमंत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड देने में हमने अच्छी प्रगति की है। जून जुलाई में किसानों को क्रेडिट की बहुत आवश्यकताएं होती है। आप लोग 15 दिन का एक कार्यक्रम बनाइए, इस दरमियान कम से कम 5 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ेंगे। जल जीवन मिशन में सही से काम करना होगा, नहीं तो झारखंड जैसे राज्य के लिए यह योजना अभिशाप सिद्ध होगी। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय पर आप सभी का विशेष ध्यान होना चाहिए, वहां सुचारू रूप से एसएमसी अपना काम करे, वहीं साफ सफाई हो, मध्याह्न भोजन मिले। इधर पशु बीमा पर भी सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी जिले पशु बीमा से संबंधित रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर भेजेंगे और उपायुक्त इस विषय पर अपने जिले में थोड़ा ध्यान दें। सीएम हेमंत के खनन लीज मामले में 7 जुलाई को होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनगाड़ा में माइनिंग लीज व रिश्तेदारों को जमीन आवंटन के मामले में दायर जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई की है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और प्रार्थी का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया है कि इस मामले की सुनवाई 6 सप्ताह के बाद होनी थी, लेकिन आज सूचीबद्ध हो गया है। प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार के शपथ पत्र पर प्रति उत्तर दायर किया जाना है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को 4 जुलाई तक उपस्थित होने का निर्देश। रांची के एमपी एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में मोदी सर ने बटटिप्पणी से जुड़े मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने 15 दिनों की मोहलत मांगी है। बाद में अदालत ने राहुल गांधी को 4 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया। बता दें, शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था, लेकिन उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसके लिए अधिवक्ता ने 15 दिनों का समय मांगा है। सीएम हेमंत ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बोले योजनाएं कागज पर नहीं जमीन पर दिखनी चाहिए। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृत संकल्पित हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव सचिव की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाएं कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए। इस बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा से हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री जिलावार उपस्थितियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए थे। बता दें, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है, यह चिंताजनक है। गिरिडीह में एक नाबालिग की बची जिंदगी। गिरिडीह में गरीब परिवार के बच्चियों को दूसरे राज्य के अधेड़ उम्र के साथ फर्जी विवाह कर बेचने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुफसिल थाना इलाके के उसरी फॉल के समीप एक मंदिर के समीप छापेमारी कर की है। पुलिस ने इस मामले में गिरिडीह के एक दलाल समेत राजस्थान के 5 लोगों के साथ कुल 6 लोग गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 60,000 रुपये नकद, शादी के सामान, मिठाई के अलावे 6 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान भी जब्त किए। फिलहाल पुलिस सभी को गिरफ्तार कर थाना लाकर पूछताछ कर रही है। पठन पाठन के अलावा अन्य कार्य में नहीं लगाए जाए शिक्षक। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बच्चों के पठन पाठन के अलावा अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के क्रम में उन्होंने कहा है कि शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने विभाग को इससे लेकर नियमावली भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी कि जिला स्तर पर शिक्षकों को दूसरे कार्यों में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, कभी राशन वितरण की निगरानी में तो कभी बालू खनन का रोक लगाने के लिए चेकपोस्ट पर तैनात कर दिए जाते हैं। अडानी पावर को नोटिस देने की तैयारी में झारखंड सरकार। अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा जिले में 800 मेगावाट क्षमता के 2 ताप विद्युत संयंत्र लगाए हैं। यहां से बिजली का उत्पादन आरंभ हो चुका है। उत्पादित बिजली बांग्लादेश को आपूर्ति की जा रही है। पावर प्लांट के लिए समझौता के समय राज्य सरकार और अडानी पावर के बीच एक करार हुआ था, जिसमें झारखंड सरकार से हुए करार के मुताबिक प्लांट अधिस्थापना के बाद यहां से कुल उत्पादन की 25% बिजली सस्ते दर पर राज्य को मुहैया करानी थी। हालांकि तकनीकी सरकार ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए इसकी छूट प्रदान की थी कि अडानी पावर कहीं से भी बिजली लेकर राज्य को उपलब्ध करा सकती है, लेकिन प्लांट से उत्पादन आरंभ होने के बावजूद करार के मुताबिक राज्य सरकार को बिजली नहीं मिल रही है। यूपीएससी की तैयारी के लिए अब सरकार देगी 1 लाख रुपए। राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके तहत तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को 1 मुश्त 1 लाख रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को 1 लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।